सरपंच एसोसिएशन भट्टू कला ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर बीडीओ ब्लॉक कार्यालय को ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस धरने प्रदर्शन में महिला सरपंच एक भी नहीं पहुंची, बल्कि सरपंच प्रतिनिधि अधिक पहुंचे। धरना सरपंच एसोसिएशन प्रधान चंद्रमोहन पोटलिया की अध्यक्षता में शुरू किया गया। इस धरने में पूर्व संसदीय सचिव पलाश सिंह गीला खेड़ा ने भी समर्थन देने पहुंचे। वहीं पूर्व सरपंच एवं पंचायत समिति वाइस चेयरमैन बंशीलाल बिगासरा, पूर्व सरपंच रोशन साई ने भी धरने को समर्थन दिया। इस दौरान पलाश सिंह गीला खेड़ा ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा ई टेंडरिंग लागू करना गलत है, इसका वे विरोध करते हैं और कांग्रेस के सत्ता में आने पर वे ये वापिस लेकर सरपंचों को और अधिक शक्ति प्रदान करेंगे। सरपंच एसोसिएशन प्रधान चंद्रमोहन पोटलिया ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, वह पंचायती राज एक्ट 1994 को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही सरपंचों व पंचों का पंचायत मंत्री द्वारा जो अपमान किया जा रहा है वह बेहद निंदनीय है, इसके लिए पंचायत मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान सरपंच बलजीत झाजड़िया, प्रहलाद सिंह, राजेश बिंचर, सुभाष मुंड, सुरेश मलान, सुरेंद्र मेनपाल, सुल्तान भोजी, सरपंच प्रतिनिधि बलजीत बेणीवाल, कृष्ण जांगड़ा, आशु गोयल, राकेश लोयल, अमर सिंह भद्रेचा, बबलू जगदीश सहित अनेक पंच व सरपंच मौजूद रहे। सुने सरपंच एसोसिएशन प्रधान चंद्रमोहन पोटलिया ने क्या कहा। कल जो टवाड़ा में हमारी सरपंच टोटल सरपंच एसोसिएशन जो भी जितने भी हरियाणा के सरपंच है वो एकत्रित होकर टवाड़ा में फैसला लिया गया था कि कल ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक ऑफिस को ताला लगाने का काम ग्राम पंचायत ब्लॉक की ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। तो उसी के तहत आज हमने भट्टू ब्लॉक एसोसिएशन द्वारा भट्टू ब्लॉक को बंद किया है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन हमारा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हमारा जारी रहेगा भट्टू ब्लॉक पर। और 1994 जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत उसको सुचारू रूप से जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और साथ ही पंचायत मंत्री द्वारा सरपंचों का जो अपमान किया जा रहा है उसके लिए जो पंचायत मंत्री किसी सरपंच को धमकाने का या पंचायत के प्रतिनिधियों का जनप्रतिनिधियों को चोर कहने का काम किया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है, उसके लिए पंचायत मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमारा ये धरना ये सांकेतिक रूप से पूरी तौर पर जारी रहेगा।